हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का यार इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फिजिक्स वाला वर्सेस आईएएस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार फिजिक्स वाले ने अपने ऑफलाइन सेंटर को कोटा में खोल रखा है और इस वजह से बहुत लोगों की नींद हराम होकर रखी हुई है। दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यार आपको याद रखना चाहिए कि आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। अब आप चाहे फिजिक्स वाला से लो या फिर एलएन से लो एज अ स्टूडेंट। अगर यार हम आसान शब्दों में बोले तो यार बेसिकली एलएन बीएमडब्ल्यू की कार है और जो फिजिक्स वाला है वो हुंडई की कार है। यार बेसिकली दोनों है कारी, काम दोनों एक ही करेंगी, दोनों के पास चार पहिए, दोनों आपका आईआईटी जेईई या नीट में सिलेक्शन करा देंगी। लेकिन यार बीएमडब्ल्यू वाली थोड़ी कार थोड़ी महंगी है, एलएन थोड़ा महंगा है और फिजिक्स वाले हुंडई की कार है तो थोड़ी सस्ती है, बट काम आपका दोनों से इक्वली होने वाला है। ये तो हो गई गरीब बच्चों वाली बात। अब थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं और तीन चार पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कौन सा बेस्ट होने वाला है। सबसे पहला बात यार हम एक्सपीरियंस का करने वाले हैं। अगर हम लोग एलएन का एक्सपीरियंस देखें यार, तो एलएन को 36 टू 38 ईयर हो चुके हैं ऑन फील्ड ऑफलाइन सेंटर पे काम करते करते। अगर यार हम यहीं पे फिजिक्स वाला की बात करें यार, तो उन्हें 5 से 6 साल हुए हैं ऑनलाइन में और 1 से 2 साल हो रहे हैं अभी ऑफलाइन में उनके हाइब्रिड सेंटर, और इस साल उनका कोटा में ऑफलाइन सेंटर खुला है। तो यार अगर हम एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखें यार, तो फिजिक्स वाला का कम थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको दिखेगा, बट आपको एलएन का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस दिखेगा और वो चीज आपको एलएन में दिखती होगी। अब यहाँ पे बहुत बच्चे सोचेंगे कि भैया तो फिजिक्स वाला सर की या अलग पांडे सर की बुराई कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, हम बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। नीचे कमेंट में पीडब्ल्यूओपी और अलग पांडे सर जिंदाबाद लिख देना, बट यहाँ पे हम यार थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि किसका एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं हम टीचर्स की। अगर हम लोग फिजिक्स वाला और एलएन की टीचर्स की बात करें यार, तो दोनों में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस के टीचर हैं। फिजिक्स वाला में भी यार 30 to 35 ईयर या 25 ईयर 20 ईयर्स के टीचर्स हैं और आपको एलएन में भी ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। और एलएन में यार बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो कई सारे बुक के ऑथर भी हैं, तो उसका भी आपको प्लस पॉइंट एलएन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यार अगर हम मोटा मोटा ऊपर से अगर देखें यार, आपको ऑथर से क्या मतलब है, आपको टीचर से मतलब है ना, आपको विश्वास से मतलब है ना। और आपको भी पता है कि फिजिक्स वाला में जो विश्वास है, जो टीचर के ऊपर बच्चों का विश्वास है और बच्चों का जो टीचर के ऊपर विश्वास है यार, वो बहुत तगड़ा देखने को मिलता है। तो टीचर के बेसिस पे अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो दोनों सेम आएंगे। अब दूसरी पॉइंट जो हम उठाने वाले हैं वो यार स्टडी मटेरियल की। फिजिक्स वाला का स्टडी मटेरियल अच्छा है या फिर एलएन का स्टडी मटेरियल अच्छा है? तो यार पे यार हम सीधे सीधे ये बोलेंगे कि यार एलएन का स्टडी मटेरियल ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू फिजिक्स वाला। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि यार फिजिक्स वाला का स्टडी मटेरियल पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं। हमारे यहाँ पे कंपैरिजन का डायरेक्ट मीनिंग है, आप सिलेक्शन फिजिक्स वाला के स्टडी मटेरियल को भी पढ़ के ले सकते हो और एलएन के भी स्टडी मटेरियल को भी पढ़ के ले सकते हो। लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करना चाहे हम, तो यार एलएन का स्टडी मटेरियल ऑफ कोर्स सबसे अच्छा है। फिर से ये मैं सोचना है यार कि हम अलग पांडे सर का बेइज्जती कर रहे हैं या फिर उनके टीम का हम वो कर रहे हैं। जल्दी से कमेंट में पीडब्ल्यूओपी और अलग पांडे सर जिंदाबाद लिख दो। तो यार अगर हम कंटेंट की बात करें यार, तो छोड़ो ना फिजिक्स वाला और एलएन, यार आप लीडरशिप जेईई नीट पे जाके देखो फिजिक्स के कितने टॉप लेक्चर्स पड़े हुए हैं और एडोडोव के कितने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। यार जाके देखो जल्दी क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और तीसरी पॉइंट यार जो इस वीडियो में सबसे खतरनाक होने वाली है यार, इस वीडियो में क्या पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में ये पॉइंट तहलका मचा के रखी है यार, वो है फीस स्ट्रक्चर। अगर हम फिजिक्स वाला का फीस स्ट्रक्चर की बात करें, तो यार 45 to 50,000 की फीस में आप पूरे आईआईटी जेईई नीट की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लोगे। वहीं पे यार अगर हम एलएन की बात करें, तो एलएन में यार आपको 1,30,000 से लेकर 1,40,000 की फी पे करनी होगी और उसके बाद आपका मे भी सिलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि यार वो तो आपके मेहनत पे ही डिपेंड करेगी। तो फीस का यार बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा यार, तकरीबन 1,00,000 का डिफरेंस आ जाएगा फीस की अगर हम बात करें तो। और यही चीज यार अलग पांडे सर को बहुत अलग बनाती है, जो कि रिवॉल्यूशनरी है। इसी बात पे पीडब्ल्यूओपी नीचे कमेंट में भर डालो। अब लास्ट पॉइंट यार मेरा सिलेक्शन के ऊपर, किसके पास ज्यादा सिलेक्शन है या कौन आपका रैंक निकाल के दे सकता है। यार कौन आपका रैंक निकाल के दे सकता है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर नहीं, सबसे पहली बात आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करने वाले हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को पकड़ के। अब रही बात एलएन की यार, तो इस साल एलएन में नीट में बहुत टॉप रैंकर्स निकले और आपको पता होगा कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी एलएन से इस साल निकला है। लेकिन अगर यार हम यहीं पे फिजिक्स वाला की बात करें, तो फिजिक्स वाला से 15,000 प्लस स्टूडेंट निकले हैं इस साल नीट में सेलेक्ट होकर के। तो आप सोच के देखो कि फिजिक्स वाला अच्छा है कि या फिर एलएन अच्छा है। अगर हम यहीं पे कंपैरिजन करना शुरू करते हैं सिलेक्शन के बेसिस पे यार, तो हमें तो दोनों इक्वली दिखते हैं, क्योंकि दोनों जगह से यार सिलेक्शन निकलते हैं, दोनों जगह से बच्चे निकलते हैं। लास्ट में हम एक चीज और भी बोलना चाहेंगे कि यार एलएन का काफी बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है 38 to 40 ईयर्स का, लेकिन यार फिजिक्स वाला केवल 1 साल के ऑफलाइन अभी उनको अच्छे से 1 साल हुआ भी नहीं है और ऑनलाइन में 4 से 5 साल उनको हुआ है, बट आज इतने कम टाइम में यार उनकी इतनी बेहतरीन रैंक निकलनी शुरू हो गई है। तो यार हम कह सकते हैं कि फिजिक्स वाला से आगे आने वाले टाइम में ऑल इंडिया रैंक 1 क्या बहुत अच्छे अच्छे टॉप रैंकर्स निकलना श्योर है। लास्ट में हम पॉइंट को खत्म करते हैं कि फिजिक्स वाला बेस्ट है या फिर एलएन बेस्ट है। यार मेरे हिसाब से दोनों ही बेस्ट है, क्योंकि यार हर साल दोनों जगह से ही बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्शन निकलते हैं। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो आपको सिर्फ सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप या तो फिजिक्स वाला में पढ़िए या तो एलएन में पढ़िए, लेकिन आप कहीं भी पढ़िए, आपको एक चीज कॉमन होगी, वो होगी आपकी मेहनत, जो कि आपको करनी ही होगी। और स्टूडेंट से हम एक बात और बोलना चाहते हैं कि यार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो भी चल रहा है, आपको इस धंधे में नहीं पढ़ना है, आपको अपना काम करके इस प्रिपरेशन से
जल्दी निकलना है और आगे की लाइफ जीनी है, आप इस चक्करों में मत फंसिए, अपने प्रिपरेशन पे अच्छे तरीके से फोकस करिए। तो इस वीडियो में आपको मेरा कंसर्न समझ में आ गया हो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आप उस इंस्टीट्यूट से पढ़ के सिलेक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि सारी चीज आपके सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करने वाली है। तो आई होप यार कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा है। और नीचे कमेंट में आप किस इंस्टीट्यूट में एलएन में हो या फिर फिजिक्स वालों में हो, जल्दी कमेंट करो और बताओ कि वहां पे कैसी पढ़ाई चल रही है। थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए। बाय।